यूपी में काबा फेम लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने मंगलवार को नोटिस भेजा है। यह नोटिस कानपुर के अग्निकांड को मुद्दा बनाते हुए गाए गए गाने को लेकर भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि नेहा ने काबा सीजन 2 वीडियो के जरिए समाज में तनाव और वैमनस्य फैलाने का काम किया है। इस नोटिस में उनसे 7 सवाल किए गए हैं, जिसका स्पष्टीकरण 3 दिनों में देने के लिए कहा गया है। पुलिस ने कहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं नेहा से पूछे गए ये 7 सवाल। क्या वीडियो में आप स्वयं हैं अथवा नहीं? यदि वीडियो में आप स्वयं हैं तो स्पष्ट करें कि क्या यह वीडियो आपके द्वारा यूट्यूब चैनल नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा सीजन 2 शीर्षक के साथ ट्विटर अकाउंट @NehaFolkSinger पर अपनी स्वयं की ईमेल आईडी से अपलोड किया गया था या नहीं। क्या नेहा सिंह राठौर चैनल और ट्विटर अकाउंट @NehaFolkSinger आपके हैं अथवा नहीं? यदि हैं तो क्या आपके द्वारा इनका उपयोग किया जाता है या नहीं? वीडियो में प्रयुक्त किए गए गीत के शब्द क्या आपके द्वारा स्वयं लिखे गए हैं अथवा नहीं? यदि उक्त गीत आपके द्वारा स्वयं लिखा गया है तथा आप इसे प्रमाणित करती हैं अथवा नहीं? यदि उक्त गीत किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है तो क्या आपके द्वारा लेखक से उसकी पुष्टि सत्यापित करवाया गया है अथवा नहीं? उक्त गीत से उत्पन्न भावार्थ से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से आप भिन्न हैं अथवा नहीं? कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की पुलिस ने यह नोटिस नेहा को भेजा है। दरअसल कानपुर में माँ बेटी की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा सीजन 2 गाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि बाबा के दरबार में घर बार ढह रहे हैं, माँ बेटी को आग में झोंका जा रहा है। नेहा ने अपने अंदाज में गाना गाते हुए कहा कि बुलडोजर से दीक्षित परिवार को रौंदा जा रहा है। यूपी में काबा की डीएम तो बड़ी रंगबाजवा, कानपुर देहात में ले आई राम राजबा, बुलडोजर से रौंदते दीक्षित के घर बार बार, यही बुलडोजर पर बाबा के नाजबा। इसके साथ अधिकारियों और लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हुए नेहा ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मामले में यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। सपा ने कहा है कि बीजेपी सरकार को आईना दिखाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पुलिस का नोटिस भेजा गया है। निश्चित ही बीजेपी सरकार का चेहरा बदसूरत, क्रूर और वैसी है, इसलिए ये सरकार आईने से डरती है और आईना दिखाने वाले को नोटिस भेजती है। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि अपने लोक गीतों के जरिए सत्ता से बेबाक सवाल पूछने वाली लोकप्रिय गायिका नेहा सिंह राठौर ने जब गाया कि यूपी में काबा, तो बीजेपी सरकार ने उनके घर पुलिस के हाथों नोटिस भिजवा दिया। एक लोक गायिका की आवाज से इतना डर गई बीजेपी, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक है ये।